मध्य प्रदेश के कटनी जिले में हरदा की घटना के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी के तहत जिला प्रशासन के अमले ने माधवनगर क्षेत्र पडरवारा के 19 पटाखा दुकानों और माधवनगर में स्थित गोदामों की सघन रूप से जांच की। वहीं जांच के दौरान प्रशासनिक अमले को माधवनगर स्थित बम पटाखा गोदाम में विभिन्न प्रकार की खामियां पाई गई। इन खामियों में प्रशासनिक अमले को ना ही सुरक्षा गार्ड की तैनाती मिली और ना ही किसी भी प्रकार का सांकेतिक बोर्ड, जिसको लेकर एसडीएम प्रदीप मिश्रा ने गोदाम में पाई गई सभी कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कटनी से संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभी तो तमाम दुकानें देख चुके हैं, 22 दुकानें देखी और 3 गोदाम देखे। तीसरा गोदाम अभी हम इमलिया में खड़े हैं, ये इमलिया के पास पडरवारा में खड़े हैं। तो यहाँ पे ये आशीष पोपटानी जी के नाम पे एक गोदाम के अंदर 4 गोदाम हैं इस कैंपस में। तो जो फायर सेफ्टी के नियम हैं उस प्रकार से कमरे पाए गए हैं और इनकी क्षमता 5000 किलो और 1500 किलो है, उस प्रकार से पाए गए हैं। एक इसमें फायर ब्रक्स रूम है, उस रूम में कुछ नहीं पाया गया। बाकी में जितनी क्षमता के इनके पास होने चाहिए बारूद या फटाखे, उससे कम पाए गए हैं। तो यहाँ पर कोई अनियमितता नहीं मिली। भंडारण के अलावा 2 दुकानों का भी अंदर पाया जाना देखा गया, क्या इस बाउंड्री के अंदर दुकान हो सकती है? नहीं, वो दुकान नहीं है, वो फायर वर्क्स का निर्माण है। फायर वर्क्स के लेमेन के लिए स्थान नियत किया गया है, इस लाइसेंस में है। वहाँ पे दुकान के रूप में वो फटाखे रखे हुए नहीं पाए गए हैं। अच्छा, जो दुकानों का निरीक्षण किया वहाँ पे क्या पाया गया? जो दुकान निरीक्षण किया गया वहाँ पे ये सारी दुकानें पेट्रोल पंप से लगी हुई थी, अतः ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है कटनी शहर के लिए। तो ये 19 दुकानें हैं, पूरे 15 मीटर की दूरी का नियम है और ये 30 मीटर की दूरी पे मिली है, 33 मीटर की दूरी पे। और ये एक भी गोदाम नहीं है, ये सब दुकान है जिसमें जिसकी क्षमता के अनुसार निर्धारित क्षमता का लाइसेंस दिया गया है कलेक्ट्रेट से, उस क्षमता के सारे फटाखे वहाँ पर रखे हुए पाए गए हैं।